हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर पीके वैद्य और आज का जो हमारा पौधा है ये लॉन्ग पीपर अर्थात पिपली का पौधा है। इसके बारे में आज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है पिपली का पौधा और जो है इसमें इस समय फल आए हुए हैं। इस समय अक्टूबर नवंबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर का महीना ख़त्म हो गया, नवंबर का महीना शुरू हो गया है। तो ये है पिपली का पौधा और इसकी पत्तियों को देखें, ये बहुत ही अच्छी होती हैं पत्तियाँ इसकी जो है। इसका पत्ती का शेप आप जो है पान की पत्ती की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही चमकीली पत्तियाँ होती हैं इसकी जो है। और ये पौधा ये देखें, इसमें फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। इस समय ये फल जो है अभी कच्ची अवस्था में है, अभी ये कच्चा है, फल पका नहीं हुआ है। पकने के बाद इस फल को जो है हमको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद में जो है इसे रख लेंगे सुखा के। रखने के बाद में जो है इसको यूज करेंगे। तो ये है पिपली का पौधा और इस पौधे की जो है ये खासियत है कि ये पौधा जो है बहुत आसानी से इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं और इस पौधे की जो है बढ़िया से आप अगर देखभाल करते हैं तो इससे बहुत अच्छा आपको फ़ायदा होता है। ये पौधा जो है मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा गार्डन लगाया हूँ, मेरा अपना खुद का गार्डन है। मैं अपने यहाँ औषधियाँ जो मरीजों को बना के देता हूँ उनके लिए औषधियाँ मैं लगा रखा हूँ। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये पौधा पिपली का लगा हुआ है और पूरा ये जो है लगभग एक बीघे में हमने ये पिपली के पौधे लगा रखे हैं। तो ये है, इससे जो है मैं अपने यहाँ मरीजों के लिए जो है आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाता हूँ, ख़ास करके जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, मोटे व्यक्ति हैं उनके लिए जो है ये पिपली का पौधा जो है और पिपली का मूल और पिपली का फल ये जो है दोनों को यूज करके जो है मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। और मोटापे के लिए बहुत अच्छी दवा है, मोटापा कम करने के लिए है, वरदान साबित हुआ है। आज जो लोग मोटापे से ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास करके उनके लिए फ़ायदेमंद है जो दर्द की समस्या से परेशान है। ये देखिए इसके इतने इतने बड़े फल होते हैं, लगभग 1 इंची के 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। तो ये है पूरा कंप्लीट इसका पौधा और ये देखें इसकी ये लताएं होती हैं, ये ऐसे आपको ये लता होगी, लंबी लंबी लता होगी। ये हमने जो है इसको लगा रखा है तो ये देखिए ऐसे इसकी लताएं जो है इतनी इतनी बड़ी होती हैं लताएं, ये चलती हुई चली जाती हैं लताएं। तो पिपली का जो है पहला तो इसका उपयोग है मोटापा कम करने के लिए, दूसरा इसका प्रयोग है खांसी की समस्या अगर आपको बनी हुई है, खांसी नहीं ठीक हो रही है तो पिपली का जो ये फल है इसको आपको जो है पाउडर कर लेना है। और पाउडर करने के बाद में जो है आपको मधु के साथ जो अगर इसको आप चाटते हैं तो आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चाहे आपकी कितनी भी पुरानी खांसी हो, बलगम की समस्या हो, तो उसमें भी ये बहुत बढ़िया फ़ायदा करता है। और अगर आपका जो है बुखार बहुत दिनों से नहीं छोड़ रहा है, कितना भी पुराना बुखार है, जाने का नाम नहीं ले रहा है बुखार, तो आपको बुखार भी ये ठीक करेगी पिपली। बुखार में आपको क्या करना है, दो पिपली को लेना है और इसकी मूल यानी कि इसकी जड़ को लेना है। इस तरह से इसकी जड़ों को आप उखाड़ लेंगे पौधे की और उसको जो है आप 2 ग्राम की मात्रा में आपको जड़ लेना है और 2 पिपली लेना है और इसको आपको उबालना है। उबालने के बाद में आपको उसको सुबह जो है भोजन करने के पहले खाली पेट अगर इसको आप पीते हैं तो कितना भी पुराना बुखार हो तो ये आपका बुखार जड़ से ख़त्म हो जाएगा और बहुत जल्द आपके बुखार में बहुत बढ़िया इसको फ़ायदा मिलता है। बुखार की समस्या के लिए तो ये वरदान है, पूरा कंप्लीट एकदम वरदान है बुखार के लिए। आपको इसको जो है बहुत बढ़िया, मैंने अपने मरीजों के ऊपर देखा है। और इस समय चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल में तो अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार हो जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो कोरोना काल के लिए तो ये पिपली जो है वरदान साबित है। पिपली की जो है बहुत अच्छी खेती भी लोग कर रहे हैं, इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है। इसको च्यवनप्राश में भी पिपली को डाला जाता है। पिपली की एक खासियत यह है कि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो गर्म तासीर होने के कारण जो है पिपली
आपको जो है खांसी, बलगम, बुखार और तमाम प्रकार की समस्याएं, अगर आपको भूख ना लगने की समस्या है तो पिपली को और पिपली के मूल को आप काढ़ा बना के अगर पीते हैं तो आपकी भूख भी जो है ठीक हो जाएगी। और ख़ास करके अगर आपके लीवर में बुखार की वजह से या किसी भी प्रकार का जो है इन्फेक्शन हो गया है, बुखार नहीं ठीक होने के बाद में भी आपके लीवर में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो आपका लीवर भी ठीक हो जाएगा। आपको पिपली का जो है पिपला मूल की जो है काढ़ा बना के आपको अगर आप पीते हैं 7 दिन के लिए तो आपके लीवर के लिए लीवर टॉनिक का काम करता है। इसकी पत्तियों को भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसके पंचांग का भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेदिक औषधियों बनाने में जो है, आप इसके पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं। फल का तो प्रयोग है ही है और इसका मसालों में भी पिपली का प्रयोग किया जाता है। जिन माताओं बहनों को दूध ना उतरने की समस्या है, जिनको दूध जो है स्तनों में नहीं आता है और उनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि बच्चों को जो है माँ का दूध जो है बहुत पोषक होता है, तो पहले ज़माने में लोग कहा करते थे कि अगर अपने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में, इस तरह की लोग कहा करते थे, बात सही कहते थे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे माँ की या गाय के बछड़े जो है जो दूध ज़्यादा पिए हैं वो हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हैं, वैसे ही माँ का जो है अगर आपका लड़का है लड़की है दूध अगर उसे आप पिया है, माँ का दूध पिया है और वो काफ़ी हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त है, ना तो उसको किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन होता है, ना समय समय पे उसको बुखार आने की समस्या है और ना आपको उसको कंप्लान पिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। तो इन प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए पिपली को आप प्रयोग कर सकते हैं और खांसी के लिए तो बढ़िया वरदान है ही है और मोटापा के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये है पिपली और इसे आप आसानी से कहीं भी जो है आप आपके यहाँ जो नज़दीकी जो है नर्सरी होगी वहाँ से आप पिपली का पौधा खरीद सकते हैं। अगर आपको पिपली का पौधा हमसे चाहिए तो आप हमको जो है अपना जो है एड्रेस और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक जो है लिंक अकाउंट नंबर दूंगा, उस पर अगर आप पेमेंट सेंड करते हैं तो मैं आपको आपके यहाँ जो है पिपली का पौधा जो है भेज दूंगा, अगर आप संभव होगा तो, और जो है नहीं तो आपको आपके यहाँ जो है आसानी से जो है वहाँ आसानी से आपको जो है मिल जाएगा, ख़ास करके जो है नर्सरी में आपको ये पौधा मिलता है। और इस पौधे का जो है ये देखिए, मैं और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इसके बारे में। देखिए पूरा जो मैंने लगा रखा है हमारा जो है ये पेड़ पौधे हैं, आम का पेड़ है और इधर जो है छोटे छोटे आम भी लगा रखे हैं इधर, तो ये इसी के ज़मीन पे नीचे मैंने इसको पिपली को भी काफ़ी समय से पहले मैं इसको लाया था, पौधा लगाया हूँ अपने यहाँ जो है। और चूँकि हमारे यहाँ जो है आयुर्वेदा का काम हमारे बाबा दादा परपादा किया करते थे तो मेरा भी अपना आयुर्वेद का ही कार्य है, मैंने आयुर्वेदा में जो है BMS कर रखा है, आयुर्वेदाचार्य हूँ, तो मुझे मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है। और पढ़ाई के दौरान जो है मुझे पिपली का जो है जो पिपली के गुणों को जो है सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में इसके बारे में जो है और इसमें फल देखें जो है जानकारी मिली, तो मैं इस पर काफ़ी रिसर्च किया हूँ और बहुत अच्छा इसका जो है मुझे रिजल्ट मिल रहा है मरीजों के। देखिए इस तरह से इसमें फल दो कि देखिए कितने अच्छे अच्छे फल इसमें लगे हुए हैं। तो ये पिपली जो है ख़ास करके जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनको घुटनों में दर्द बना रहता है, इसके पंचांग का अगर वो काढ़ा बना के पीते हैं तो काफ़ी जो है उनको फ़ायदा होता है। पिपली इसको आपको जो है ये पिपली का भी इस समय जो है पिपली को आप अगर लगा लेते हैं या बाज़ार में पसाड़ी के यहाँ या जहाँ भी आपको मेडिकल के आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ भी पिपली का पिपलिया मूल कहेंगे तो आपको पिपली मूल करके जो है मिल जाएगा, तो जो है इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और इस तरह से इसमें फल आते हैं। मैं इसकी पहचान भी आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में मैं आपको इसके पौधों को रोपित करने का सही तरीका भी बताऊंगा, कैसे आप इसको लगा सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में लगभग हमारे पास इस समय पिपली जो है नियर अबाउट जो है 50 किलो की संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पिपली होगा। मैंने हम कई सालों से पिपली को जो है अपने यहाँ लगाए हैं तो पिपली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में होती है, मैं इसकी दवाइयाँ बनाता हूँ और जो हमारी दवाइयों से जो है जो हिस्ट्रा होता है मैं उसे आयुर्वेद की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको मैं सप्लाई कर देता हूं, बेच देता हूं।
तो अगर आप हमसे पिपली भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको पिपली भी जो है बाई पोस्ट जो है भेज दूंगा, जो है कोरियर कर दूंगा। तो ये है पिपली का आज जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। पिपली की एक बात और बताना चाहूँगा, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो ठंडी में तो आप इसको खूब दबा के प्रयोग कर सकते हैं जिस तरह से मैंने बताया है, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको दस्त होने की समस्या हो सकती है। और गर्मी में जो है आप इसका जब प्रयोग करें तो आपको एक बात विशेष ध्यान देना है कि गर्मी में इसको आपको जो है थोड़ा कम मात्रा में लेना है, इसकी तासीर बहुत गर्म होती है तो आपको दस्त भी हो सकता है। और ये खांसी बलगम और तो बुखार जुखाम सर्दी वायरल इन्फेक्शन, इसको आप ये पिपली का, ये देखिए मैं एक और विशेष प्रयोग बता रहा हूँ, पिपली का एक फल जो है अगर आप अपनी चाय में इसका पाउडर फॉर्म बना के रखते हैं और चाय जो है बनाने के बाद पीने के बाद में जो है पीने से पहले अगर चाय को उसको पाउडर रखते हैं उसमें थोड़ा सा इसको डाल लेते हैं एक पिपली के फल की मात्रा के बराबर यानी कि 1 ग्राम की मात्रा में, तो आप पीते हैं तो आप तमाम प्रकार की वायरल इन्फेक्शन से, आपको तमाम प्रकार की समस्याओं से, गले की खराश से और तमाम प्रकार की बीमारियों से आप ठीक हो सकते हैं।